दोस्तों, कभी कभी हमें हमारे डेली लाइफ के कन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंस को बनाना पड़ता है, जैसे कि इसमें क्या कमी है, मुझ में क्या कमी है, उस फोन में क्या कमी है। मतलब हम किसी से पूछते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है या कोई कमी है। सो दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, चलिए जान लेते हैं। जब हम ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं तो एक सिंपल सी लाइन रखते हैं, व्हाट इज लैकिंग इन, और इनके बाद हम उस व्यक्ति को रख देते हैं जिस चीज़ में कमी है। चलिए हम सेंटेंस के माध्यम से इसे समझ लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर हो जाए। जैसे मैं कहूँ, मुझ में क्या कमी है, व्हाट इज लैकिंग इन मी, इसमें क्या कमी है, व्हाट इज लैकिंग इन इट, या लैकिंग इन दिस। सो दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्या तुम कभी इससे नहीं मिले, क्या तुम कभी वहाँ नहीं गए, क्या तुम कभी ये नहीं खाते हो। सो दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, चलिए जान लेते हैं। जब हम ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं, सो डिड यू नेवर का यूज करते हैं, और उसके बाद जिस भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम वो रख देते हैं। चलिए हम इसे सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। सो जैसे मैं कहूँ, क्या तुमने कभी आम नहीं खाया, डिड यू नेवर, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं आम की, सो डिड यू नेवर ईट मैंगो। और उसके बाद जैसे हम कहें कि क्या तुम कभी वहाँ नहीं गए, डिड यू नेवर गो देयर। सो दोस्तों, ऐसे ही आपको सेंटेंसेस को बनाना है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। सो दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक के बाद एक पीटा गया था, गांव के गांव बह गए, एक के बाद एक आया था। सो दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, चलिए जान लेते हैं। जब हम सेंटेंस को बनाते हैं, सबसे पहले नाउन, उसके बाद हम आफ्टर रखते हैं, और उसके बाद दोबारा हम फिर वही नाउन रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद मेन वर्ब का यूज करते हैं। मेन वर्ब के बाद हमारा जो भी अदर वर्ड रहता है हम उसे रख देते हैं। तो चलिए हम इसे सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर हो जाए।